Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 12 Flamingo book, that is poem number 4, A Thing of Beauty, okay, written by John Keats. So first of all, we'll discuss about the poet, okay, introduction and then stanza wise explanation, okay. So let's start with the poet. John Keats was born in London in 1795, okay. John Keats का birth London में 1795 में हुआ था, okay. His parents died when he was only 15. जब वो 15 years के थे तो उनके parents की death हो गई थी, okay. He became an apprentice to a surgeon. और वो surgeon के student बने, but he was interested in poetry. लेकिन उनका interest poetry में था, okay. He died before he was 26. अभी उन्होंने 26 कंप्लीट भी नहीं किया था, मीन 25 इयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है. बट विद इन 4 इयर्स ऑफ हिज लाइफ 1817 टू 1820 ही प्रोड्यूस्ड हिज बेस्ट पोइटिकल वर्क्स, ओके. विद इन 4 इयर्स में 1817 से 1820 तक उन्होंने बेस्ट पोइटिकल वर्क्स प्रोड्यूस किए, ओके. हिज पोइम्स स्पेशली द ओड्स, ओड्स मीन्स लिरिकल पोइम्स, ओके, रिटन ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ओके, आर प्रीशियस ट्रेजर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. उनकी जो पोइम थी स्पेशली ओड्स, ठीक है, वो प्रीसियस ट्रेजर हैं इंग्लिश पोइट्री के, ओके. इंट्रोडक्शन टू द पोएम. अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स 1795 टू 1821 पब्लिश्ड हिज फर्स्ट एपिक पोएम एंडीमियन इन 1818, ओके. सो जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, ठीक है. उन्होंने 1818 में अपनी फर्स्ट एपिक पोएम एंडीमियन पब्लिश की थी. It is a narrative about the relationship between goddess and her human lover. Okay? ये जो poem है एक narrative है एक ऐसे relationship का जो कि goddess, ठीक है, और human lover के बीच में था. The poem is based on the Greek myth of Endymion. ये poem based है Greek myth के ऊपर, ठीक है, Endymion Greek myth के ऊपर. The shepherd who falls in love with the moon goddess Selen, ठीक है, जिसमें एक शेफर्ड जो कि जिसको लव हो जाता है मून गॉडेस से, जिसका नाम शैलेन होता है, ठीक है. होम द पोएट नेम सिंथिया, जिसको बाद में पोएट सिंथिया नाम देते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लेजर, ओके, एंड एलिविएट सफरिंग एंड सोरो, ठीक है. और इस पोएम के थ्रू अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसमें पोइट बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, ठीक है, कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें प्लेजर देते हैं और इस प्लेजर से हमारे अंदर जो सफरिंग है सोरो है वो रिमूव हो जाता है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर, ओके. बावर मीन्स अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, ओके, क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ओके. सो इन दीज लाइन्स पोएट इज टेलिंग अस दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज एवरलास्टिंग जॉय, ठीक है, कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इससे थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें एवरलास्टिंग जॉय मिलता है, फॉर एवर जॉय मिलता है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और थिंग ऑफ ब्यूटी से मिलने वाली जो जॉय है, ठीक है, इसका जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती रहती है, वो कभी कम नहीं होती है, ठीक है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इन नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती है, इंक्रीज होती रहती है. बट विल कीप अ वावर, वावर मीन्स अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, ओके. बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ओके. एंड पोइट हमें ये बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ठीक है, उससे मिलने वाला जो जॉय है, ठीक है, वो कैसा है, एक वावर की तरह है, ठीक है, मीन्स एक शेडी प्लेस की तरह है, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, ठीक है. और उस शेड में जाके, उस बावर में जाके हमें अच्छी नींद आती है, जब उन हैप्पीनेस के मोमेंट्स के बारे में हम सोचते हैं, उन ब्यूटीफुल थिंग्स से हमें जो हैप्पीनेस मिलती है उनके बारे में जब हम सोचते हैं, ठीक है, तो हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, हमें गुड हेल्थ मिलती है, ठीक है, और हम फ्रेश रहते हैं, ठीक है. स्टैंजा नंबर 2. Therefore, and every morrow, morrow means tomorrow, okay, are we wreathing, wreathing means sorrow, the surrounds, okay, a flowery vent to bind us to the earth, okay.
So in this line, Port is telling us that in everyday life, okay, we are facing dejection, sorrow, sadness, etc. ठीक है कि हम डे बाई डे क्या होते हैं, हमें सॉरो मिलता है, डिजेक्शन मिलता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सैडनेस होती है, ठीक है. बट ये जो ब्यूटी है, ठीक है, थिंग्स की ब्यूटी है, वो हमें जॉय देती है, ठीक है. और ये हमें इतनी हैप्पीनेस देती है, ये जो थिंग्स की ब्यूटी है, ये एक फ्लारी बैंड की तरह है, ठीक है. फ्लारी बैंड की है जो कि हमें अर्थ के साथ क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है, ठीक है, जिससे कि हम अर्थ पे रह के एक दिन से दूसरे दिन की तरफ जाते रहते हैं, मीन्स अच्छे से अपने दिन बिताते रहते हैं, ठीक है. अदरवाइज पोर्ट क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि अर्थ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिजेक्शन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, ठीक है, जिससे कि अर्थ पे रहना, अर्थ पे लाइफ बिताना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा. अगर ये ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होगी, हमारे लिए प्लेजर नहीं होगा, ठीक है, हम जॉय नहीं कर पाएंगे, जॉय नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे लिए लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हम अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये फ्लारी बैंड की तरह है, ठीक है, इन्हीं कारण से हम अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं. स्पाइट डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मीन्स लॉस ऑफ होप, ओके, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स टेरिबल शॉर्टेज, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ठीक है, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस वेज, ओके. इन दिस लाइन पोर्ट इज टेलिंग अस दैट कि हमारे अंदर क्या होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिजेक्शन होते हैं, ठीक है, और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल हो जाती है, ठीक है. लेकिन जो नेचर होती है वो हमें हैप्पी मोमेंट देती है, नेचर के अंदर ब्यूटी है, ठीक है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करती है, ठीक है. एंड पोर्ट इज टेलिंग एंड नो मैन इज नोबल ऑन दिस अर्थ, ठीक है, वेरी फ्यू पीपल्स आर हेयर हु आर नोबल, ओके, बहुत कम लोग हैं जो कि नोबल पर्सन है, ठीक है. एंड पोर्ट टेल्स अस दैट ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज में जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ठीक है, वो हमें हैप्पीनेस देती है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस वेज, और जितने भी डार्कनेस हैं हमारी अंदर, ठीक है, हमारी स्पिरिट के अंदर, उसको वो रिमूव कर देती है ब्यूटीफुल थिंग्स से हमें जो हैप्पीनेस मिलती है, ओके. मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, द फॉल, कॉफिन कवर, ओके, फॉल मीन्स कॉफिन या फिर कवर, ओके, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स. तो पोएट इज टेलिंग दैट कि हमारी लाइफ के अंदर इतनी मिस्टीरियस थिंग्स होती हैं, ठीक है, कि हम सर्च नहीं कर पाते, हम पता नहीं लगा पाते किसके क्या हो रहा है हमारी लाइफ के साथ, हमारे अंदर क्यों सैडनेस आ रही है, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है. तो इस वजह से हम क्या रहते हैं, सौरों में रहते हैं, सैड रहते हैं. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल, लेकिन जो ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमें मूव कर देते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, डिजेक्शन होती है, सैडनेस होती है, ठीक है, उसकी फॉल को, उसके कवर को वो रिमूव कर देती है, जो कि ब्यूटी होती है. तो ब्यूटी से मिलने वाली जो हैप्पीनेस है वो हमारी डार्कनेस को दूर कर देती है, ओके. स्टैंजा नंबर 3, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड ओके एंड यंग स्प्राउटिंग द शेडी बोन, बोन मीन्स ब्लेसिंग, ओके, फॉर सिंपल शेप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम, ओके. सो हियर पोएट इज लिस्टिंग सम ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर, ओके. सो पोइट कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स को लिस्ट करते हुए बता रहे हैं, लाइक सन, मून, ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग शेडी बोन, ठीक है, जो कि शेडी ट्रीज जो कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं, ठीक है. सो इन सभी ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में पोइट बता रहे हैं कि सन है, मून है, ओल्ड ट्रीज है, यंग ट्रीज हैं, कुछ अभी स्प्राउट हो रहे हैं, ठीक है, एंड सम साथ में पोइट बता रहे हैं सिंपल शेप, ओके, एंड डैफोडिल्स, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, प्लेजर देती है, जब इनके बारे में हम इमेजिन करते हैं, ठीक है. सो जब हम इनको देखते भी हैं और इनके बारे में इमेजिनेशन करते हैं, ये इमेजिनेशन और ज़्यादा कलर ऐड कर देती है, और उस कलर से और भी ज़्यादा, उन इमेजिनेशन से और भी ज़्यादा ब्यूटी का हमारे को फील होता है, ठीक है. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स अ स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है. और डैफोडिल्स के बारे में पोइट बता रहे हैं कि ग्रीन वर्ल्ड में, ठीक है, वो छोटी छोटी झाड़ियों में क्या होते हैं, ब्लूम होते हैं, ठीक है, निकलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, और इस तरह से
हमें हैप्पीनेस मिलती है उन ब्यूटीफुल थिंग्स को देख के, ठीक है। और पोइट्री हमें बात करते हैं क्लियर रील्स के बारे में भी। क्लियर रील्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, जो कि हमें क्लियर रील्स की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो भी हमें हैप्पीनेस देती है। तो पोइट ने जो लिस्ट दी है नेचर की, ठीक है, ये हमें ब्यूटीफुल थिंग्स का से हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट, ओके, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक अ प्रोसेस टू स्लो डाउन, ओके। सो यहाँ पे पोइट क्या बता रहे हैं कि छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, जो हॉट सीजन में अपने आप को कूल करने के लिए अपने साइड में, अपने कॉर्नर में, अपने बैंक्स पे छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ पे उग जाती है, ठीक है, वो अपने आप को कूल रखती है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ओके। और वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ उग जाती है और इस तरह से वहाँ पे कूल एटमॉस्फेयर बन जाता है। स्टैंजा नंबर 4, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लोसम, ठीक है, ब्लूम्स। सो पोइट्री में बात करते हैं उन स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोजेस के बारे में, ठीक है, जो कि छोटी छोटी झाड़ियों में उगते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ठीक है। और पोइट बताते हैं कि जो सीन होता है बहुत रिच सीन होता है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर, ग्रैंडर मीन्स हाई रैंक और सोशली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी, माइटी मीन्स एनॉर्मस दैट, ओके। सो इन दिस लाइन पोइट इज टेलिंग अबाउट द मस्क रोजेस, ठीक है, जो कि ब्लूम होते हैं छोटी झाड़ियों में, छोटे छोटे जब हमें दिखते हैं ब्लूम होते हुए तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। और पोइट्री में बात करते हैं ग्रैंडियर्स के बारे में, उन ब्रेव पर्सन के बारे में, माइटी पर्सन के बारे में, ठीक है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, उनके ब्रेवरी के बारे में सोचते हैं, जो कि अब मर चुके हैं, ठीक है, ग्रेव के अंडर हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में इमेजिन करके भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, ठीक है, ऑल लवली टेल्स जो कि हमने सुनी है या फिर पढ़ी है, उनको इमेजिन करके भी, ठीक है, उनको याद करके भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स नेवर डाइंग, ठीक है। सो पोइट्रियां बता रहे हैं कि ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, वो हमें एंडलेस जॉय देती है, वो एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कि एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह होता है, जो कभी एंड नहीं होता है। पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, ठीक है, जो कि गॉड ने हमें हमारे गॉड ने हमें पॉर किया है, ठीक है, गॉड ने हेवन से हमें दिया है ये सारा गिफ्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स, जिससे कि नेचर की जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो गॉड ने हमें दिया है, जिससे कि हम खुश रह सकें, ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने रिजेक्शन, अपने सोरोनेस, इस डार्कनेस से हम दूर रह सकें, ओके। सो पोइट ने यहाँ पे बताया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या होती है, हमें प्लेजर देती है, ठीक है, और इसका प्लेजर कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, हम डिजेक्शन के टाइम पे, फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे जब उनको याद रखते हैं, ठीक है, अपने इमेजिनेशन से हम इनमें और ज़्यादा कलर ऐड कर देते हैं और हम हैप्पी रहते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।